नमस्ते एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू दी अंजन काला शाह यस फैमिली। फाइनली हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। वैसे अभी बहुत छोटी सी शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत आप लोगों की वजह से काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। और अब जो दो मेजर क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे कहा था आंसर करने को, क्योंकि मैंने आपसे कुछ ऑप्शंस रखे थे इन द टेलीग्राम चैनल, और ये दो क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बिफोर यू सी। वी हैव जस्ट इनिशिएटेड दिस लाइक 24th of October एंड यू आर गेटिंग दिस वीडियो ऑन 6th of November, ठीक है? तो अभी ये कोई बहुत, इट्स नॉट इवन लाइक 2 weeks ऑफ हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस, द इनिशिएटिव वॉट इट इज़, द कोर्सेज विच आर हियर, and then what are the differences, etc., etc. So for the time being, whatever we have launched, based on that, you deserve, because you are everything here. Like, you know, for the country, you know, we the people of India. So the preamble says, the preamble to the Constitution of India says about the people of India. So accordingly here, because then I am nothing without you. So you definitely deserves the right to get those answers which you might have been thinking about, and I am the one who is responsible to give the answer. So let's quickly come to the point without talking much about it and showing you actually. So, do cheezon par hame baat karni thi primarily. One was ki jo maine naya course launch kara hai history NCERT course ka, which is commencing only on the Anjan Kalash IAS app, and the link is in description if you want to check. ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ये जो है नई NCERT course है 2023 में। अब जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, दे नो दैट मैंने पुरानी एनसीईआरटी कोर्सेज भी एनसीईआरटी किताब वो सेम है, इट इज़ अबाउट द न्यू कोर्स एंड द ओल्ड कोर्स, डोंट कन्फ्यूज इट विद द न्यू बुक और द ओल्ड बुक, ओके? सो 2017 में मैंने कोर्सेज निकाली थी। सो ऑफकोर्स दिस इज़ अ वेरी लेजिट क्वेश्चन, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि मैम इन दोनों में क्या अंतर है, बिकॉज ये कोर्सेज आपके फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है? तो फिर ये हम 800 रुपये दे के क्यों खरीदें? ऑब्वियस है भाई, बिल्कुल है, मैंने ही बनाए हैं। तो पहले तो ये समझ लो 2017 से 2023 का ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा होता है, चीज़ें तब से लेकर अब तक बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन मैं आपको इतना ऊपर ऊपर का आंसर देकर नहीं जाऊँगी। आई हैव एवरीथिंग टू शो यू, एवरीथिंग, इसीलिए इस प्रेजेंटेशन को बनाने में वक्त लगा है, बिकॉज एवरी डिटेल इज़ वॉट यू डिजर्व टू नो, यू विल बी गेटिंग हियर। लेकिन थोड़ा आपको सब्र रखना होगा और थोड़ा पेशेंस के साथ प्लीज़ कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द वीडियो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट द आंसर्स टू दिस। चलो उसके पहले आपको थोड़ा तो मेरे बारे में समझना होगा, सो आई टेक जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ योर्स, मे बी लेस देन 1, क्योंकि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस शुरू ही 2017 से हुआ, ठीक है? 2017 फरवरी में आई जॉइंड वन ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जो कि खुद उस वक्त एक नया प्लेटफॉर्म था, जस्ट कपल ऑफ मंथ्स बिफोर दे हैड स्टार्टेड, दैट इज़ अन अकेडमी, एंड आई वॉज द अर्लीस्ट एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड वन ऑफ द फॉर्मर टॉप एजुकेटर देयर, ठीक है? नाउ आई वॉज द वन हु हैड इनिशिएटेड द NCERTs देयर, द होल NCERT सीरीज, इन फैक्ट द हैंडमेड नोट सीरीज ऑल्सो हैज़ बीन स्टार्टेड बाई मी ऑन अन अकेडमी। सो देयरफॉर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आई रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस हैड बीन ह्यूमंगस, एंड आई एम सो थैंकफुल टू एवरी वन हु हैड शोन देयर लव एंड सपोर्ट फॉर दैट। अब एक चीज़ समझो, जब मैंने 2017 में ये, अच्छा आगे की इन्फॉर्मेशन अभी उतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मेन रीज़न है ये बताने का वो आप समझो, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हिस्ट्री में रहा है, कोर है, तो सब्जेक्ट को लेके तो कोई इशू है ही नहीं। अब ये समझो आपकी 2017 में आई स्टार्टेड टीचिंग, सो द कोर्सेज दैट आई वॉज मेकिंग वॉज, आई कम टू दी स्लाइड्स ऑल्सो, बट द कोर्सेज दैट आई वॉज मेकिंग वॉज अबाउट द समरी ऑफ डिफरेंट NCERTs, ठीक है? सो आई स्टार्टेड विद ज्योग्राफी NCERTs, दैट बिकेम वायरल काइंड ऑफ पूरे कंट्री में। अन अकेडमी जब उसको रिकॉर्डेड से उठाकर यूट्यूब में डालती थी, तो जितने तरह के व्यूज़ आते थे, अगर मैं आपको एक सेकेंड दिखाऊँ, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ पढ़ रहे हो है कौन भाई, ठीक है? ऐसे ही है क्या? सो यू नो देर आर मेनी थिंग्स दैट माइट कम टू योर माइंड। अभी तुम देखो ये 6 की ज्योग्राफी NCERT की समरी का है, ठीक है? इंग्लिश ये अकेला वीडियो, एक सिंगल वीडियो, ये पूरा जो इन्होंने समराइज़ किया था ऑलमोस्ट 6.7, और ये भी पता नहीं कब का स्क्रीनशॉट है, और शायद बढ़ भी गया होगा, तो 6.7 लाख व्यूज़, ठीक है? उसी चीज़ को हिंदी में था तो और बढ़ा, 8.4 लाख व्यूज़। मैंने दोनों लैंग्वेजेस में करे थे, आई डिड इट इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। नाउ यू सी दिस इज़ माई ज्योग्राफी परफॉर्मेंस ओनली ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ एन अकेडमी। ये जो रिकॉर्डेड होते थे प्लेटफॉर्म,
ठीक है, उस पे तो ये अलग जो रेटिंग्स और वो जाता था. सो जैसे क्लास सिक्स की जो ज्योग्राफी गई, सो दैट वॉज 4.9 रेटिंग्स, 7908 रेटिंग्स. नाउ प्लीज़ सी, ये कोई ऐप या वो नहीं है, ठीक है, ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड है. तो इतने लोगों ने रेट करा है 7908, समझ रहे हो नंबर. देन अकॉर्डिंगली यू सी फॉर ऑल दिस, ऑफकोर्स कुछ लोग धीरे धीरे तो घटते ही हैं हर क्लास के साथ, बट स्टिल इफ़ यू सी द रेटिंग्स, द काइंड ऑफ रेटिंग्स, एंड दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द सैम्पल्स. तो ज्योग्राफी वीडियोज़ जो है वो क्या हो गई, काइंड ऑफ वायरल हो गई. इट स्टार्टेड मेकिंग द अदर क्लासेज एंड अदर सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी ऑल्सो. अगैन दीज आर जस्ट वेरी फ्यू स्क्रीन शॉट्स, क्योंकि इफ़ आई स्टार्ट पुटिंग इट ऑल आउट देयर इज गोइंग टू बी वेरी टाइम टेकिंग एंड नॉट नेसेसरी. आपके जो क्वेश्चन का आंसर है इतने में से मैनेज हो जाएगा. बट द कोर्स नेम यूज टू बी द एनसीईआरटी समरी कोर्सेज, ठीक है. सो वॉट आई हैड टू डू, वॉट माई टास्क वॉज, एक तो माई करियर हैड जस्ट स्टार्टेड, आई हैव ऑलवेज बीन अ टीचर. इनफैक्ट मैं कहूँ तो मैं बचपन से, मतलब हमेशा अपने जूनियर्स को पढ़ाया, अपने क्लासमेट्स को, बट सो दोज वर वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ अ टीचिंग, बट टीचिंग कम्स वेरी नेचुरली टू मी, ठीक है. तो पढ़ाना मेरे लिए कोई टास्क नहीं था. आई हैव ऑलवेज बीन गुड विथ नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग भी मेरे लिए कोई टास्क नहीं था. बट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई हैड डन ऑल ऑफ दिस, वो मेरे लिए ज़रूर एक टास्क था, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन यूज टू वर्किंग फॉर दैट लॉन्गर. एंड फॉर स्पेशली द ज्योग्राफी सीरीज आई हैड वर्क 16 to 18 आवर्स पर डे, एंड विद इन 20 to 22 डेज आई हैड फिनिश्ड 6 to 11 की पूरी समरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हैपन विद द अदर सब्जेक्ट्स एंड अदर एनसीईआरटीज, ठीक है. सो यू कैन सी द रेटिंग्स एंड द नंबर्स एंड एवरीथिंग फॉर हिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है. ये आपको सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे. अगेन ये जो वीडियो है ये कुछ क्या 3.5 लाख समथिंग के उसमें है. अब बात है कि जब मैं ये समरीज बनाती थी, बिकॉज द समरी का क्या मतलब होता है, आपने उसका क्रक्स निकाला एंड यू आर समराइजिंग इट, राइट. ये एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ नहीं होता था, सो दिस एक्चुअली केटर्ड द नीड ऑफ बोथ यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स. आई यूज टू गेट सो मेनी मैसेजेस. खैर अभी भी मेरे कोर्सेज में स्कूल स्टूडेंट्स भी इनरोल्ड हैं. सो जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लाइव क्लास लिया था, आप अगर वहाँ आपने अटेंड किया होगा तो आपको ये भी पता है कि स्कूल स्टूडेंट्स भी मेरे क्लास में इनरोल्ड हैं, वो अभी भी तैयार है मुझसे पढ़ने के लिए. सो दिस वॉज केटरिंग टू द नीड्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑडियंसेस, ठीक है. तो जो समरीज मैंने बनाई है वो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, मान लो जैसे ये चैप्टर 1 है हिस्ट्री की क्लास 6 की बुक का. सो दिस इज़ गिविंग यू अबाउट कि अच्छा हमारा कंट्री है, उसका दो नाम है, ये दोनों नाम कहाँ से आया है, फिर हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, ठीक है. दिस इज़ वन सैम्पल. सो दिस इज़ हाउ माई नोट्स यूज टू बी, एंड दे वर वेरी क्लीन एंड प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, ठीक है. इसीलिए पीपल लव्ड इट. और ऊपर से कोई कॉपी पेस्ट और PDF PPT का सिस्टम ही नहीं था, इट वॉज ऑल यू कैन सी, ठीक है, हाउ इट वॉज, आई नीड नॉट से. देन हड़प्पा का अगर चैप्टर है तो स्टोरी क्या थी, तो अब जैसे हम बुक पे जाएंगे तो बुक में ये एक पैराग्राफ में उन्होंने बताया स्टोरी ऑफ हड़प्पा, तो उसको मैंने समराइज किया. देन स्पेशल क्या है एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ बिकॉज दिस कोर्स वॉज द समरी एंड 2017 में UPSC के जो पैटर्न्स होते थे दे वर वेरी डिफरेंट, ठीक है. कंपैरेटिवली 2015-16-17 वर ईजियर ईयर्स, 2018 ऑनवर्ड्स थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पढ़ा, 2020 ऑनवर्ड्स बहुत डिफिकल्ट हो गया, 23 वॉज अ गेम चेंजर, पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने अचानक से, ठीक है. एंड मेनी डिजर्विंग स्टूडेंट्स कुडंट क्वालिफाई द 2023 प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ दैट, एंड मेनी हु हैव क्लियर्ड हैव जस्ट गॉन लाइक लक के, हार्डवर्क भी रहा है बट लक के बेसिस पे इस बार ज़्यादा लोगों ने क्लियर किया है, क्योंकि उन्होंने तुक्को वाले आंसर्स को भी उनके वो सही हो गए कि ओनली टू. अब वो ओनली टू कौन सा दो था उनको नहीं पता था, बट सही कर दिया, तो ऐसे भी हुआ है. सो नाउ 2017 से 2023 तक द काइंड ऑफ चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द UPSC पैटर्न एंड एवरीथिंग, डोंट यू थिंक दैट वुड बी अकोमोडेटेड इन माई कोर्स ऑल्सो. इफ़ आई हैव टू टीच यू द सेम थिंग दैट आई डिड 7 years अगो, अब ये सोचो कि ये सारा मटेरियल तो मेरे पास तैयार है ना, ये तो मैंने ही बनाया है, सो दीज आर ऑल रेडी, तो वुड आई जस्ट यू नो रेप्लीकेट इट एवरी टाइम, तो देन वॉट्स द पॉइंट, एंड दीज आर ऑल फ्रीली अवेलेबल, सो वॉट इज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस. ये तो हो गई पुरानी NCERT में चल क्या रहा था. अच्छा बिकॉज देर वॉज समरी, तो उस टाइम पे देर वॉज नो PYQ इंटीग्रेशन, देर वॉज नो सब्जेक्ट इंटरलिंकेज, बिकॉज दिस वॉज नॉट बींग टॉट टू यू एज अ कोर्स, राइट. दीज वर जस्ट रिकॉर्डेड सेशंस. अगर आपको पता है तो फॉर्मेट क्या होता था कि 15 मिनट में रिकॉर्डर बंद हो जाता था. अगर खुद देखोगे ना, बाई डिफॉल्ट रिकॉर्डर बंद हो जाता था, ठीक है. तो एक वीडियो सिर्फ 15 मिनट का हो सकता था, रिकॉर्डर ऑन हो बंद हो जाता था, ठीक है. तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स में वो वीडियोज बनते थे. नाउ इट्स गोइंग टू बी अ 2-hour long full-fledged course every day.
ठीक है, तो उसमें हम करेंगे क्या? तो इट्स बेटर दैट आई नाउ शो यू द अप्रोच दैट आई विल बी हैविंग टुवर्ड्स दीज एनसीईआरटीज. अभी हिस्ट्री पे बात करते हैं. फर्स्टली यू विल बी लर्निंग हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बिकॉज यूपीएससी के क्वेश्चंस बहुत से हिस्ट्री के एनसीईआरटी से सॉल्व किए जा सकते हैं. आई विल शो यू, जस्ट स्टे फॉर सम मोर टाइम हियर इन दिस वीडियो इटसेल्फ. फॉरगेट अबाउट द कोर्स, डोंट परचेज इट, डोंट एनरोल, बट अभी सुन लो थोड़ा. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज समथिंग दैट यू विल बी लर्निंग, जो मैं गारंटी दे सकती हूँ अगर कहीं और सिखाया जाता होगा मुझे आके बता देना, ठीक है. नोट मेकिंग समथिंग दैट आई हैव बीन नोन फॉर एंड आई नो दैट आई एम गुड एट इट, इसमें मुझे कोई शक नहीं है. जो मुझे नहीं आता है मैं खुद बोल देती हूँ, बट दिस इज समथिंग आई कैन रियली हेल्प यू विथ. एंड अभी जो मेरी नोट मेकिंग की कोर्स हुई है कंप्लीट, ठीक है, द काइंड ऑफ रिव्यूज एंड द फीडबैक्स आई रिसीव्ड हैव बीन ट्रेमेंडस. ऑफकोर्स शुरू किया था एज कम्पेयर टू बड़े बड़े कोचिंग, मेरे पास कोई 500,000 बच्चे नहीं थे, कम बच्चे थे, बट जिनके साथ करो और उनके जो डिटेल्ड रिव्यूज फीडबैक्स हैं, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड इन माई अर्लियर कहीं वीडियोस, कहीं टेलीग्राम पोस्ट. टेलीग्राम में तो पूरा PDF है रिव्यूज़ का, यू कैन जस्ट चेक, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड चेक. द चैनल इज रंजन कलश IAS एंड यू गेट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. सो देन आई गॉट टू नो कि ओके, दिस इज रियली हेल्पिंग आउट पीपल. माइंड मैप्स, निमोनिक्स, फ्लो चार्ट, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, ठीक है. ये सब पहले नहीं होता था, पहले इट वॉज जस्ट द समरी, समझो क्रक्स. आपको मैंने सैम्पल भी दिखा दिया और वो उस वक्त की डिमांड थी, उस वक्त के लिए दैट वॉज गुड. But now I have to evolve my teaching as per the needs. I have to update my material. So therefore the content that I am making right now is completely different. And I will show you the sample content also. Just hold on. So everything is going to be as per the latest trend of UPSC CSE. You will be getting the conceptual clarity. So it will not just be about mugging up of the facts. How I will do this? Again, hold on. I will show you. Skipping the irrelevant portion also is very important. You do not need to read everything. तो क्या नहीं पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए. Focus on the ignored but relevant parts. Now in the whole way that we prepare for NCERTs, there are many sections and areas which are very relevant and important but are usually ignored by people, क्योंकि उनको लगता है यहाँ से कुछ नहीं आएगा. I will show you one sample. Just hold on for some time. An interdisciplinary approach. जिन्होंने मेरे साथ अभी कुछ वक्त पहले, मैंने अन अकेडमी की एक सब्सिडियरी पाथ फाइंडर टीम जो कि अब बंद हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, उनमें पेड कोर्स लिया था. आधे में ही वो उन्होंने बंद करवा दिया. सो एंशंट वहाँ पे ख़त्म हो गया था, मिडिवल आधा हुआ था. बट जिन्होंने उतना भी सेगमेंट मेरे साथ पढ़ा था उनको पता है कि बीच में मैंने आपको कितने इंटरलिंकेजेस के एग्जाम्पल्स दिए. आई टॉट यू अबाउट पॉलिटी रिलेटेड टू हिस्ट्री, आई टॉट यू अबाउट ज्योग्राफी रिलेटेड टू हिस्ट्री, आई टॉट यू अबाउट इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड व्हाट नॉट रिलेटेड टू हिस्ट्री. उसी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जो कि मैंने, मतलब अब ज़रूरी एग्जाम के लिए, पर मैंने पहले के कोर्सेज में नहीं लिए हैं. कैसे लेती 2017 में इन चीज़ों के बारे में? ऑनेस्टली ना तो ज़्यादा फैकल्टीज़ को पता होता था और स्टूडेंट्स को तो कुछ नहीं पता होता था. बट नाउ दैट द ट्रेंड इज़ चेंजिंग एंड आई हैव इवॉल्व्ड एज अ टीचर ओवर दीज ईयर्स, आप इतना तो समझोगे ना, मानोगे. किसी ने 2017 में अपना करियर शुरू करा है, चाहे उसको कितनी भी टीचिंग आती हो, पर 2023 में वो जो इंसान होगा क्या वो बेटर नहीं होगा, बेटर वर्जन नहीं होगा? मैंने इतने बैचेस ले लिए हैं, फ्री पेड सब कुछ इस एनसीईआरटी के, तो क्या मेरा अपना पर्सनल ग्रोथ नहीं हुआ होगा? और क्या अब वो नए कोर्स में आपको रिफ्लेक्ट नहीं होता मिलेगा? दिस इज़ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, आंसर इट योरसेल्फ. मेरे को नहीं बताना आपको, आप सोचो खुद. देन यू विल नाउ गेट द स्पेसिफिक पॉइंटर्स फॉर प्रीलिम एंड मेन स्टेजेस विच अर्लियर वॉज नॉट देयर, क्योंकि अर्लियर इट वॉज अ समरी, नाउ इट्स अ कोर्स, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स. अब इस कोर्स का पर्पज़ क्या है? आपको समरी देना नहीं है. इस कोर्स का पर्पज आपका एग्जाम निकलवाना है, स्पेशली प्रीलिम स्टेज, क्योंकि मेन में तो हम कुछ एग्जाम्पल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है. तो जो भी कोर्स या रेलिवेंट एग्जाम्पल्स होंगे, ये तो एक चीज़ हो गई. अब बात है आपको सैम्पल्स दिखाने की. ये कुछ डिटेल्स थी, तो आपको जल्दी क्विकली प्राइस भी बता देती हूँ, नहीं तो फिर यू माइट बी थिंकिंग अबाउट इट. तो ये जो कोर्स लॉन्च हुआ था, चूँकि ये एक लॉन्च ऑफर था, यहाँ पर हमने दशहरा पे लॉन्च किया था ऐप एंड ये कोर्स साथ में लॉन्च किया था, सो डेफिनेटली आई हैड टू गिव यू दी ऑफर्स. एंड सो द कोर्स इज़ यूजुअली प्राइज्ड एट 1200, जो कि 7th of November से लागू हो जाएगा. सो टिल 6th of November द प्राइज, बिकॉज ऑफ द ऑफर यू हैव द 800 प्राइज, ठीक है. और इसमें एक चीज़ जो इंक्लूडेड है, दैट इज़ द 100 बोनस MCQs, ठीक है, जो मैं खुद NCERT के लाइन से बीच से बनाकर आपको दूंगी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए
कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा है तो यूपीएससी के पैटर्न में अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आर यू एबल टू आंसर और नॉट, ठीक है, तो ये एक चीज़ है. लेकिन 7th of November से प्राइस बढ़ जाएगा और बोनस हट जाएगा, तो ये ध्यान रखना है. बट आपको थोड़ा हो सकता है एप्रीहेंशन हो, डाउट हो, तो उन चीज़ों के लिए मैंने आपके लिए एक फैसिलिटी रखी है. तो अब आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि देखो जितना मेरे तरफ से पॉसिबल है मैं ऑफकोर्स आपको वो स्पेसिंग दूंगी कि आप अपने डिसीजंस ले सको, ठीक है. तो ये जो लॉन्च ऑफर था, जैसा मैंने बोला, इट इज़ गोइंग टू एंड टुनाइट 6th of November, एंड तभी तक आपको ये सब डिस्काउंट और फैसिलिटीज़ मिल रही है. लेकिन आपके लिए फर्स्ट क्लास जो है मैंने फ्री रखा है, डेमो रखा है. तो अगर किसी को बहुत, ऑल्दो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड, उन्होंने वो ट्रस्ट दिखाया. इनफैक्ट मेरे अनाउंस कर दें कि कुछ मिनट बाद से भी इनरोलमेंट शुरू हो गए थे, तो वो उनका ट्रस्ट है. उन्होंने कुछ नहीं मांगा मुझसे, मैम बैकग्राउंड सैम्पल ये वो कुछ नहीं मांगा. बट कुछ लोगों को होता है, क्योंकि यू ट्राई टू चेज द बिगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड द नेम्स जिनके आपको न्यूज़पेपर पे यू नो एडवर्टाइजमेंट्स फ्रंट पेज पे दिखते हैं. भैया एक बात समझो, वो अचीवमेंट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है. पैसा दे के फोटो लगवाना होता है उसमें. बड़े बड़े जो बिलबोर्ड्स होर्डिंग बोर्ड्स होते हैं ना, मैं भी कल मैं पैसा दे दूँ मेरा भी फोटो छप जाएगा, पोस्टर छप जाएगा, और वो भी करवाना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो पता नहीं. बट अभी के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है जीवन में. अचीवमेंट है जो बच्चों के रिव्यूज़ आते हैं. फॉर अ टीचर दैट इज़ द ओनली अचीवमेंट, रिव्यूज़ एंड रिजल्ट्स. और मेरे पास भगवान की कृपा से ना ये दोनों मुझे मिला है, ठीक है. अगर आपको टॉपर वीडियो देखना है एक्नॉलेजमेंट का, वो भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. उसके अलावा भी कुछ टॉपर्स के मुझे पर्सनल मैसेजेस आए थे 2018-19 के दौरान में. उसके बाद मैं एक्टिव नहीं थी तो ऑफकोर्स नहीं आए थे. कुछ तो मुझे ऐसे टॉपर्स भी मिले जो मेरे पर्सनल नोन के, वो कहते हैं हमने भी तुम्हारा वीडियो देखा था बट हमने ना नाम नहीं लिया तुम्हारा. तो ऐसे भी लोग हैं, सो फॉरगेट अबाउट इट. सो सब वो सब अवेलेबल है, बट मैं उनके पर्सनल चैट्स आपको रिवील नहीं करने वाली हूँ. सिर्फ एक वीडियो पब्लिकली अवेलेबल है, बिकॉज द टॉपर हिमसेल्फ सेड अबाउट मी, acknowledged my work. वो पब्लिक वीडियो थी इसलिए वो अवेलेबल है. 4 साल बाद निकाली है उसको, ठीक है. तो फर्स्ट फ्री डेमो लाइव सेशन आपके लिए 7 बजे आज मिलेगा आपको, सिर्फ अंजन कलश ऐप पर. अब भाई अब ये मैं नहीं कर सकती कि आपको ना अपार्ट फ्रॉम ऐप दे दूँ. ऐप तो डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है. पे मत करना कोर्स के लिए, एक डेमो ले लेना, फिर फील हो जाए. क्योंकि आज 7 से 9 क्लास चलेगी और आपको ये वीडियो भी अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, दोपहर में आपको, तो आपको पता लग जाएगा ना, आपने ये भी समझ लिया कि क्या अंतर है, आपने डेमो भी देख लिया. और अगर आप फिर भी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो, देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, यू नीड टू थिंक अबाउट इट. अब मैं आती हूँ सैम्पल्स पे, कि ये जो नया कोर्स रहने वाला है ये कैसा रहेगा. पूरा नहीं दिखा सकती मैं आपको, बट आई शो यू सम क्लिपिंग्स विच माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड इट. ये है क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है. तो मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है. एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड हियर, दैट इंक्लूड्स इट. अ पूरा होल स्टोरी स्ट्रक्चर में है, जहाँ हैंड रिटन की ज़रूरत है, जहाँ मार्किंग की ज़रूरत है. ये तो जो आपको मिलेगा PDFs, ठीक है. इसमें बीच में जहाँ मुझे इंटरलिंकेज की ज़रूरत है खुद से स्टोरी देने की, वो भी दी है मैंने. फिर इसमें क्या नोट्स आपको कैसे बनाने, वो सभी मैं आपको बताऊँगी. देखो जहाँ जहाँ हर कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी फॉर्मेट में है आपके पास, ठीक है. और इससे नोट्स कैसे बनेंगे वो तो खैर मैं क्लास में कराऊंगी, दैट इज़ नॉट समथिंग आई कैन शो यू राइट नाउ. आई हैव इंक्लूडेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हेनेवर नेसेसरी, कि पुराने कोर्सेज में नहीं था, क्योंकि उस वक्त अब उस वैसे भी उसके बाद के क्वेश्चंस हैं एंड इट वाज नॉट पॉसिबल. ये 2019 के 2 क्वेश्चंस हैं, इसको कैसे NCERT से आंसर कर सकते थे. तो इनमें से वही PYQs इंक्लूडेड हैं विच कुड हैव बीन आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ PYQs, मतलब NCERTs, ठीक है. PYQs विच कुड हैव बीन आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ NCERTs. उसके बाद सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं है ये, इसमें जैसे मैंने मेंस के क्वेश्चन से रिलेटेड भी अटैच किया हुआ है, ठीक है, जहाँ रेलेवेंट है. अब जैसे इंडस वैली मान लो 6 में भी है, 12 में भी है, तो उनके चैप्टर्स का कंटेंट कंबाइंड है, टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, ठीक है. ये पूरा मैं आपको एंशियंट का PDF दिखा रही हूँ, जो अब हम पढ़ेंगे क्लास में प्रॉपरली. उसके अलावा ठीक है, जहाँ भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हाईलाइटेड भी हैं, लेकिन हम उसको डिटेल में करेंगे. और उससे बच्चे मेरे नोट्स कैसे बनाएंगे वो फ़ायदा सिर्फ इनरोलमेंट वालों को मिलेगा, तो आई रियली कैन नॉट हेल्प अबाउट इट. जहाँ अब ये जैसे क्लास 6 का मैप है, ये 12 का मैप है अशोकन इंस्क्रिप्शन को लेके, तो ये सब एक साथ है ताकि आपको कंपेरिजन में मदद मिले, ठीक है. कहाँ कहाँ से देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर किए जा सकते थे, सब गिवन है, ओके. मूविंग ऑन, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं,
अब देखो हिस्ट्री में एक और चीज़ क्या है कि उन्होंने ना मान लो एक टॉपिक दिया, उसके बाद उन्होंने डिटेल उसका लिंकेज नहीं दिया है, दे वुड जस्ट गिव इट थीम वाइज. नाउ आई हैव गिवन यू दैट लिंकेज इन द फॉर्म ऑफ अदर बुक्स क्लिपिंग्स ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वेन यू स्टडी एनसीईआरटी ऑल्सो. ठीक है, हमें फोकस एनसीईआरटी पे करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आती हैं जो मैं अलग से लाऊंगी, लेकिन फिर भी तो लिंकेज तो ज़रूरी है ना. इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, वॉट इज़ द पॉइंट. ठीक है, तो ये पूरा सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है, चार्ट्स जहाँ ज़रूरी हैं वो सब दिए हुए हैं. अब आपको समझना है कि यू आर विलिंग और नॉट और वट एवर, लाइक यू टेक योर डिसीजन. मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स एंड द कॉन्सेप्ट विच यूजली, जैसा मैंने बोला ना कि इम्पॉर्टेंट होते हैं बट लोगों को लगता है कि वो शायद इररेलेवेंट हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दोज एरियाज एंड यू नो दे आर लाइक सपोज टू आंसर दोज क्वेश्चंस. तो देखो, एक क्वेश्चन है 2023 में आया है विथ रेफरेंस टू यू नो इंडियन हिस्ट्री. उन्होंने चार पांच नाम दे दिए, तो दीज पीपल वर एसोसिएटेड विथ. ठीक है, अब ऐसा तो हिस्ट्री में हम यूजुअली पढ़ते नहीं हैं कि हमें पता हो कि प्रेस से रिलेटेड कौन था, चर्च से रिलेटेड कौन था, रेलवे से रिलेटेड कौन था, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कौन था. ठीक है, लेकिन जब मैं आपको बुक की क्लिपिंग्स दिखाऊंगी, ठीक है, ये देखो, यूजुअली अगर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, ये क्लास 12th के बुक का सैम्पल है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्विकली रीड रीड रीड, हमें लगेगा इसमें एग्जाम के काम का कुछ भी नहीं है. इवन अर्लियर आई यूज टू थिंक लाइक दैट ऑनेस्टली, बट वेन आई सॉ 2023 पेपर. अब इन्होंने ना जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, द नेम्स ऑफ अ फ्यू पीपल लाइक कोलिन मैकेंजे, देन यू हैव वॉल्टर एलियॉट, देन और शायद दो तीन नाम हैं लाइक यहाँ पर नाम है एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो मेरा पर्पज़ जो था वो सिर्फ क्वेश्चन दिखाने के लिए था. अब यहाँ पे देखो, इन्होंने दिया एलेक्जेंडर या एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गियस एंड वॉल्टर एलियॉट. एक नाम भी अगर आपको पता है, क्यों हमें इतने नाम की ज़रूरत है, एक नाम भी एनसीईआरटी से मिल गया ना, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये लोग ना आर्कियोलॉजिकल उससे रिलेटेड थे, एक्सकेवेशन से, तो हो गया ना आपका आंसर. एंड यू टेल मी एनी पर्सन हु वुड हैव डन दिस एज अ राइट आंसर विदाउट गेसिंग. अगर किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री बैकग्राउंड होगा या किसी को बहुत इन्फॉर्मेशन होगा, आता होगा, देन दे कुड हैव आंसर्ड. मतलब मुझे नहीं आता था, ठीक है, मैं गेस कर सकती थी, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि मेरा तुक्का भिड़ जाता. एंड आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट ऑल्सो, बट पढ़े हुए मेरे को 10-12 साल हो गए, इससे ज़्यादा ही हो गया है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टीचिंग अलाइन हुई है. तो 2017, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, इसके भी क्लिपिंग्स किताबों में हैं. ठीक है, तो आई गेस मैंने अपनी तरफ से आपको काफ़ी चीज़ें समझाई हैं. ये एंशियंट का क्लिपिंग था. अब जैसे क्या होगा जब मेडिएवल शुरू होगा, तो उसके पहले ना मुझे आपको अर्ली मेडिएवल के बारे में थोड़ी कहानी समझानी है. मैं आपको अर्ली मेडिएवल समझाऊंगी, बीच का लिंकेज, और तब मैं आपको मेडिएवल की एनसीईआरटी पे लेके जाऊंगी. फिर ये एनसीईआरटी की क्लिपिंग्स है, ठीक है, फिर ये एनसीईआरटी की क्लिपिंग्स हैं जहाँ पे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मैप्स के साथ, पीवाईक्यूज़ के साथ, जो भी है सब कुछ दिया है. ठीक है, फिर जहाँ मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ये सब देखो एक्स्ट्रा है, तभी मेरा लिखा हुआ है. तो जहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वहाँ ये सारे मैप्स इंटरनेट से ढूंढ के डाउनलोड करके भी लगाए हैं, सब कुछ किया है आपके लिए. अगर आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, देखो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है सब लगाया है. तो ये सिर्फ एनसीईआरटी कहने को है, बट इसमें बहुत सा ऐसा कुछ भी इंक्लूडेड है जो आपको उस पूरे लिंकेज में मदद करेगा. और फिर देखो यहाँ से एनसीईआरटी, ये पूरी बीच की लिंकेज कहानी थी जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, यहाँ से फिर एनसीईआरटी कंटेंट शुरू है. अब आपको कॉल लेना है, क्योंकि मैं ना इससे ज़्यादा परसुएड नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर सकती हूँ बिकॉज यू डिज़र्व टू हैव एन आंसर, पर मेरा काम आपको परसुएड करना तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इनिशिएटिव. तो इसके लिए मैं अलग वीडियो आपके सामने लेकर आ रही हूँ. यू विल गेट द हिस्ट्री वीडियो ऑल्सो, यू विल गेट दिस वीडियो ऑल्सो. अब इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा. आप सोचोगे 5 मिनट में ना मैम दिखा दो या 1 मिनट का शॉर्ट्स बना दो, तो भैया नहीं कर सकते. पूरी कहाँ इसको स्लाइड्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है. ठीक है, क्योंकि मुझे हर डिटेल आपको दिखाना समझाना है कि देखो दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. नो यू हैव टू फिगर आउट कि अगर आप इस सवाल का भी जवाब जानना चाहते हो कि आखिर है क्या ये अंजन कलश आईएएस. ठीक है, और ये बिल्कुल कोई मजाक में प्रमोशन के लिए नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए है. एंड व्हाई दिस इनिशिएटिव व्हेन देयर आर सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी. लेकिन अभी जो मैंने आपको हिस्ट्री का सैम्पल दिखाया, मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन इंडिया में दिखा दो जिन्होंने उस तरह से पढ़ाया होगा. एक दिखा दो,
मैं ओपन बता रही हूँ, जिसको दिखाना है दिखा देना. मुझे डेट टाइम ऑफ कोर्स भी चाहिए एंड ओरिजिनल कंटेंट चाहिए. ऐसा नहीं कि पायरेटेड मेरा ही उठा के दिखा देना, तो ऐसा नहीं चलेगा. मेरे बहुत जगह पे बिकते हैं इधर उधर भी, तो मुझे पता है मुझे ओरिजिनल चाहिए. अब इन पे खैर हम बाद में बात करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये अलग कॉन्टेंट था हिस्ट्री से रिलेटेड. ये सारी मेरी जर्नी रही थी अनअकैडमी पे जब तक मैंने पढ़ाया. ये जब लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था उसकी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है. ये 62 मिलियन व्यूज़, इस टाइम पे 61 था, बाद में 62 मिलियन व्यूज़ पर है. अगर 9000 से ऊपर बच्चों ने डेडिकेशन दिया है, ऑलमोस्ट 3 लाख फॉलोअर्स हैं, और 62, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द कोर्सेज फ्री के ही लिए हैं, तो भी इतने फॉलोअर्स हैं और तो भी इतने वॉच मिनट्स हैं. प्लस वालों के, लाइव वालों के तो बहुत होते थे. ये मेरा मोस्टली फ्री से गेंड है, फ्री कोर्सेज से. तो आप अगर डेटा समझ सकते हो तो समझ लेना, ठीक है. एक सेकेंड. एनसीईआरटी सीरीज इनिशिएट मैंने करा है, फेब्रुवरी 2017 से ज्वाइन करा था. अब ये अलग अलग टाइम पे मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, ठीक है. कभी रैंक वन रहा जब 7.5 मिलियन व्यूज़ थे, फिर 13 हुआ, फिर 62 हुआ, कैसे कैसे बढ़ के देखो 61 हुआ, उसके बाद 62 हुआ. तो अलग अलग समय वो बढ़ा है. मैंने अपनी सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, बहुत क्लियरली दिखा दी हैं. इट्स ऑल नाउ इन द पब्लिक डोमेन. यू चेक इट, यू अंडरस्टैंड इट. आपको लगता है वर्थ है तो दो, नहीं लगता है तो मत दो. मेरे पास जितने बच्चे आए हैं भरोसा करके, मैं उनके साथ आगे बढ़ूंगी. फ़र्क बस इतना होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कोर्सेज तो अब ऐप पर रहेंगे ही, ठीक है. एंड यू नो अबाउट द फैसिलिटीज ऑल्सो. यू गेट द कोर्स इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, प्राइमरीली इंग्लिश, बट हिंदी भी रहेगा. एक्सप्लेनेशन जैसे मैं अभी वीडियोज़ बना रही हूँ, सो दैट पीपल अक्रॉस द कंट्री डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. यू विल गेट इट एट 1 ईयर वैलिडिटी, ठीक है. आप फ़ोन पे, वेब पे दोनों जगह एक्सेस कर सकते हो. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करवा देंगी. फॉर एग्जाम्पल देखो, दो कोर्सेज अभी रनिंग हैं ऐप पर. एक तो ये हिस्ट्री एनसीईआरटी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्राइजेस. 7th of November से ये बढ़ जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है. इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लॉन्च ऑफर ख़त्म हो रहा है. लाइव नोट मेकिंग सेशंस, जिन्होंने 5th of November तक इनरोल किया था, और इस ये लाइव ख़त्म भी, मतलब मैंने बैच शुरू करके कंप्लीट भी कर दिया है विद इन 2 वीक्स ऑफ हैविंग द ऐप. आप सोच लो, यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं होती हैं, काम होता है. यहाँ ऐप लॉन्च करके मैंने बच्चे खूब जुगाड़ कर लिए डाउनलोड के लिए, एंड फिर मैंने काम नहीं किया. दैट इज़ नॉट हैपनिंग, एंड आई एम द ओनली वन हु इज टीचिंग इट एंड डूइंग एवरीथिंग. इट्स हैपनिंग हियर, काम हो रहा है. सो 149 पे उनको मिला था, बट 6 से प्राइस बढ़ गई है, तो अब ये 249 पे है. ये भी धीरे धीरे बढ़ेगा. वक्त रहते इनरोल करना है कर लो, नहीं करना है मत करना. इस कोर्स के रिव्यूज़ जो हैं वो टेलीग्राम पे हैं. इनमें जो चीज़ें कराई गई हैं, ये सिर्फ कोई बैठ के नोट नहीं बनाया है हमने. हमने सीखा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. हमने हर जगह PYQs इंटीग्रेट करना सीखा है, हमने मेंस के पॉइंटर्स लगाने सीखे हैं, हमने शॉर्ट करना सीखा है, हमने रेलिवेंट चीज़ें लिखने सीखी हैं, एंड मेनी मोर. स्टैटिक करेंट सब कराया है, NCERT एडवांस्ड सब कराया है. अगर आपको लगता है 150 या 250 रुपये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैं, देन आई डोंट नो, ठीक है, यू टेक योर कॉल. सो यू विल गेट द फैसिलिटीज लाइक लाइव क्लासेस, अफोर्डेबल प्राइजिंग, नोट मेकिंग, PYQs, डाउट क्लियरिंग, फ़ोन प्लस वेब एक्सेस, मल्टीपल टाइम्स जो है आप उसको वॉच कर सकते हो, एंड वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर फॉर द कोर्सेस, ठीक है. ये सब हिस्ट्री के लिए बता रही हूँ. सेम गोज फॉर द नोट मेकिंग ऑल्सो. सो ये ऐप है, अगर आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हो. iOS अगर आप यूज़र हो तो भी आप एप्पल स्टोर से कर सकते हो, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से कर लो. एंड लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन. आई होप नाउ इट्स एवरीथिंग क्लियर अबाउट व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट एंड हाउ द अदर को. अच्छा, दिस कोर्स विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड ना, एक बार थोड़ा सा अगर रिस्क लेके देखना चाहो, अगर मुझ पर भरोसा नहीं हो, रिस्क लेना चाहो, तो आगे जो कोर्सेज आएंगे, चाहे वो हिस्ट्री के कॉम्प्रिहेंसिव हो या दूसरे सब्जेक्ट्स के NCERT हो, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि यू शुड बाय और नॉट. तो एक डेमो, इसीलिए मैंने एक साथ कोई ना पूरा कोचिंग की तरह हज़ार और लाख रुपये लेके पूरा कोर्स साल भर का लॉन्च नहीं किया है भाई. स्टेप बाय स्टेप चलते, एक बार में उतना पैसा मेरे को चाहिए ही नहीं और ना आपको देने की ज़रूरत है. आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना, एक कोर्स का पैसा दो, एक कोर्स को पढ़ो, लगे काम का है तो आगे बढ़ो, नहीं तो मत करो. कोचिंग में एक बार में देते हो, फंस जाते हो ना, नहीं पसंद आता है तो कोई दूसरा कोर्स, फिर इधर उधर भटकते हो. सो नो, यू टेक योर कॉल. आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट एवरीथिंग. यू विल ऑल्सो गेट अनदर वीडियो फ्रॉम मी रिगार्डिंग वॉट इज दिस अंजन कलश ऑल अबाउट, वाई दिस इनिशिएटिव अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग्स, ठीक है. तो इस पर हम बात करेंगे. किसी की बुराई नहीं करनी है, लेकिन अपने बारे में बताना है तो मैं बताऊँगी. ओके, सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ रिमेंबर द
द हिस्ट्री क्लासेस आर कमेंसिंग फ्रॉम टुडे. प्लीज़ रिमेंबर, इतनी सारी बातों में ये भूल मत जाना, पहली क्लास डेमो है, फ्री है आपके लिए 7 बजे. ऐप डाउनलोड करके खुद के लिए ये फेवर कर दो कि ये अटेंड कर लो ताकि आगे समझ आ जाए. एंड बट द प्राइजेज विल एंड टू नाइट ओनली. ठीक है, तो 9 बजे जैसे क्लास ऑलमोस्ट ख़त्म होगा, 9, 9:15, 9:30 जितना भी टाइम लगे, उसके बाद भी आपके पास टाइम है टू डिसाइड. ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में. आई होप यू विल हैव द ग्रेट टाइम एंड थैंक यू एवरी वन हु हैज शोन द ट्रस्ट इन मी, जिन्होंने मुझे लेस देन 2 वीक्स में इतना सपोर्ट किया कि मैं इतनी हिम्मत करके आगे बढ़ पा रही हूँ. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.